हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और पढ़ रहे होगे। तेरी बोर्ड वगैरह की तैयारी अच्छी सी चल रही होगी। बच्चों, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 11 है और इसका मैं कुछ रिवीजन कराऊंगा आपको, ठीक है? कुछ रिवीजन के लिए देखो बच्चों, इसमें क्या है कि बहुत सारी वैरायटी के अब क्वेश्चंस इसलिए नहीं रहे क्योंकि प्लेन डिलीटेड पार्ट में चला गया, इसलिए एक्सरसाइज एक तो फर्स्ट और एक सेकेंड। तो फर्स्ट वाले में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो मेनली, या डायरेक्शन कोसाइन दो पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो दो पॉइंट्स है कैसे निकलेगा, ये सब है। कोलिनियरिटी है, या एक्सिस के साथ में एंगल जिनको हम डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में जाएंगे, है ना। दूसरे वाले में क्या है कि स्ट्रेट लाइन, कि एक वेक्टर इक्वेशन, कार्टेजियन इक्वेशन, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगल फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या फिर दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इन सबकी इक्वेशंस मैंने पहले से बनाई हैं, पहले अपलोड कर रखा है ये। अगर आपको देखना है चैनल को सब्सक्राइब करो, और जहाँ कहीं पर भी हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको रिवीजन के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यही ऑप्शंस बचे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। यहाँ लिखा मैंने फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, वो लाइन्स क्या है हमारे पास, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, y प्लस 9 माइनस का 16, z माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, एंड x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3, y माइनस 29 डिवाइडेड बाई 8, z माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 5। ये दो इक्वेशंस कार्टेजियन फॉर्म में दे रखी हैं और हमें पता है कि ये पॉइंट्स हैं और ये हमारे क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो एक बड़ा सा फार्मूला है जिससे कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। Also find the equation of the shortest distance, यहाँ लिख देता हूँ। Also find the equation of shortest distance, ठीक है। Shortest distance की आपको क्या करना है कि equation find out करनी है। Question number 2 लिखा, क्या लिखा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेजियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेजियन इक्वेशन कार्टेजियन ई नहीं होगा कार्टेजियन इक्वेशन ऑफ लाइन्स, लाइंस नहीं, लाइन ही होगा, दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन, दैट पासिस थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट 5, -2 and 3, ठीक है। इक्वेशन आप लाइन निकाल लेंगे जहां हमें क्या दो पॉइंट्स दे रखे हैं, वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। उस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पड़ेगी। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 100 from the line, from the
9, 9 क्या दे रखी है हमें, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, y प्लस 1 माइनस 3 और z प्लस. Also find the coordinates of the foot of the perpendicular. Also find the coordinate of foot of the perpendicular. Foot of perpendicular and equation of perpendicular. And equation of perpendicular. ठीक है, for the video and copy it, then we have write some more question. तो इससे और बहुत सारी variety question नहीं होंगे जैसा अभी मैं बता रहा था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए, क्वेश्चन हो तभी पाएगा. क्योंकि अगर जैसे हम कितने ही क्वेश्चन कराए, लेकिन अगर किसी में पॉइंट कहीं परपेंडिकुलर, कहीं पैरेलल, कहीं फुट की डिस्टेंस, कहीं इमेज भी हो सकता है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होने से क्वेश्चन ज़्यादा चेंज हो जाता है. इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन. फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन क्या दे रखा है कि 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस का 9 टू जेड माइनस का 2. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स बाई एंड जेड एक्सिस. Find the direction cosines of x, y and z axis. X axis, y axis and z axis. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक और लिख देते हैं. Find the distance between the lines. Find the distance between the lines L1 and L2 and M2 given by, क्या दे रखा है ये कि वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप. ठीक है, फिर वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप. ठीक है, ये बच्चों किसके चैप्टर से थे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से कुछ एक मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये आपको कर लेने हैं, आपको हेल्प करेंगे. और वैसे तो बहुत वैरायटी के क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन मैंने इन पे फोकस किया है और आप भी इन पर फोकस कीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो और ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा. थैंक यू. जय हिंद.